What's up, people? Good morning. And I just woke up. And I guess today is the fourth day when I'm making a delete. Obviously, रात में बहुत ज़्यादा late था, जिसमें around 3 o'clock में. So yeah. I got a call from the equipment regarding the replacement, but let's see. क्या है क्या नहीं है तो नहीं और हमारी ये कुछ नहीं. आज टी टाइम. अभी मैं बना रहा हूँ चाय और ये हमारी अदरक जो कि हमने डाल दी है. आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन जो भी ये वीडियो देख रहा है. एक्चुअल में व्यूज़ आना ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बट साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट और है कि जो लोग देख रहे हैं क्या वो मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, चाहे वो बेशक एक इंसान ही क्यों ना हो. क्या हो यार, कितने व्यूज़ कम ज़्यादा. अगर ऐसा भी हो सकता है ना, बहुत बार लोगों के पास जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उसमें से गिने चुने ही कुछ फ्रेंड्स होते हैं उसके साथ रहते हैं, वैसे ही व्यूज़ बहुत सारे होने की वजह से ये नहीं कि आपको लोग पक्का लाइक करते हैं. अब व्यूज़ तो यार दीपक कलमानी वही नाम है ना उसका, या राखी सावंत, उनकी वीडियोज़ पर भी आते हैं बहुत बार. तो आई एम नॉट श्योर कि सबके सब लोग उसे पसंद करते होंगे या नहीं करते होंगे, पर ये है कि एटलीस्ट पॉजिटिविटी के साथ जो लोग देख रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है. क्योंकि एटलीस्ट जो भी देख रहे हैं वो लोग पॉजिटिविटी के साथ मेरे को देख रहे हैं, और आई थिंक वो पॉजिटिव वाइब्स ही मैं आपको दे रहा हूँ और आप. और कभी कभार कितना अच्छा लगता है यार अपने ब्लॉग्स जब हम देखते हैं. एक्चुअली एक ब्लॉग्स भी मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि वो मेमोरी की तरह आप स्टोर कर सकते हो और डायरेक्टली आप यूट्यूब पे डाल रहे हो, और इट्स नॉट जस्ट फॉर अदर्स, इट्स ऑल्सो फॉर माई सेल्फ एज वेल. तो जो अच्छे मोमेंट्स हैं, जो भी मोमेंट्स हैं उसको मैं याद करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा ब्लॉग देख सकता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे ब्लॉग देखना. ऑल्दो मैं भी थोड़ा सा काम कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पबजी खेला और फिर उसके बाद मैं ब्लॉगिंग देखना शुरू कर दिया, अरे अपने जो ब्लॉग्स हैं वो देखना शुरू कर दिया, और बहुत अच्छा लगता है. मतलब जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं ना, लाइक क्योंकि वो तो मैंने मूवमेंट्स जिए हैं तो मेरे को और ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है. और बाकी आई डोंट नो आप सबको कैसा फील होता है, तो अगर आपको जैसा भी फील होता है प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा फील होता है. तो जिस घर में अभी हम हैं उस घर में मेरे को हो गया है ऑलमोस्ट 7 months, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया. अब पूरे इंडिया में बहुत बार ऐसा हो रहा है कि आपको जहाँ पे भी बिल्स आ रहे हैं वहाँ पे बिल ज़्यादा ही आ रहा है, एंड यू वोंट बिलीव मेरा पानी का बिल कितना आया. यस, दिस वॉज द अमाउंट. लिटरली दिस वॉज फॉर आई गेस 3 months, 51 days. सो 2 महीने भी नहीं होते यार, 2 महीने का अमाउंट हमारा इतना है पानी का, और जो कि गलत है. तो आई हैव ऑलरेडी रेज्ड अ कंप्लेंट, मैंने ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल को, और फिर उसके बाद दे आर वर्किंग ऑन इट. और आज हमें पहली बार आया बिल इलेक्ट्रिसिटी का जो कि हमारा है 1000 rupees. वैसे देखो 1000 rupees है, पूरा कम है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है, बट नॉर्मली जो कंजप्शन होती है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में थोड़ी रिबेट मिलती है 200 यूनिट तक, तो 200 यूनिट तक की कंजप्शन हमेशा रहती है कि आपको 200 यूनिट से नीचे आप यूज़ करोगे तो आपका बिल जो है फ्री हो जाएगा. तो इसलिए हमारा कभी पहले बिल नहीं आया, इस बार हमारा एयर कंडीशनर चला और बाकी सारी चीज़ें चली, इसलिए फर्स्ट टाइम बिल आया. सो आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विद यू. और आप सबके साथ भी ऐसा होगा कि इवन जो लोग दिल्ली से हैं और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो डेफिनेटली वो चीज़ रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार जिनको सब्सिडी मिलती है तो उनके भी इस बार अब बिल आना शुरू होंगे. और मेरे को एक और चीज़ लगती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ख़त्म हो रहा है और गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है उसकी रीडिंग के लिए, सो वो रैंडमली कुछ भी बिल बना के भेज रहे हैं और बाद में जाके आप उसे करोगे पे या जो भी है. ये अमाउंट तो मैं पे कर दूंगा, बट मैंने जो हमारा वाटर बिल है वो मैंने पे नहीं करा और मैं उस पर फाइट कर रहा हूँ कि भाई वो इतना ज़्यादा बिल आया है, तो दैट्स अ रॉन्ग रीडिंग, आपकी साइड से कोई मिस्टेक. कभी भी अगर प्राइवेट कंपनीज होती है ना तो वो एक बार को ना पैसा रिफंड कर देती है, बट गवर्नमेंट से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी अगर आपने पैसा दिया है गवर्नमेंट को वो वापस आ रहा हो. ऐसा किया यार कि मैंने वो पे ना करके मैंने उस पर रेज किया ये इशू, और मेरे को लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं. मैं आपको उस ट्वीट का भी आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पर और आप देख सकते हो. वैसे ही अगर आपको चाहिए तो आप भी वो सारे इश्यूज उठा सकते हो, क्योंकि अगर आपने पे किया पे करने के बाद, बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है इस चक्कर में, वो ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं और साथ में रिसोर्सेज भी नहीं है कि जो लोग आए रीडिंग करके जाए, तो रैंडम बिल दिया जा रहा है. कभी भी 1000 रुपये का डॉट 1000 रुपये का बिल बहुत ही मुश्किल होता है कि डॉट 1000 रुपये का बिल आया या डॉट 2000 रुपये का बिल आया, 10-15 रुपये या कुछ पैसे ऊपर नीचे होते हैं. चाय टाइम.
और आज की चाय मॉम ने बनाई, अदरक इलायची वाली। आज हमारे पास है ये एलईडी टच लाइट, ये मैंने अमेजोन से मंगवाई है। और थोड़ी सी मेरे को लगता है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक कि जब ये लगेगी और लगने के बाद जब वो चीज़ आएगी तो कितना अच्छा लगेगा यार। आई जस्ट शो यू, मैं थोड़ा लगाना शुरू करता हूँ। तो ये लाइट्स की स्पेशल बात ये है कि ये लाइट मैग्नेटिक है, ये एक साथ जुड़ जाती है। एज यू कैन सी हियर, ये एक साथ जुड़ जाएगी और ये ऐसे अलग अलग करके प्रॉपर तरीके से जुड़ सकती है। बस आपको एक जगह से कनेक्शन देना है और वो भी किसी भी साइड से, वो यहाँ पर बस एक आपको इसका एक पावर पॉइंट, एक पावर देनी है और कनेक्शन देना है, दैट्स इट। एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जो इस पे डबल साइडेड टेप है वो चिपक जाएगी तो चिपकने के बाद फिर निकलने में बहुत मुश्किल होगी। ऐसे DIY करने में ना मज़ा बहुत आता है, बट मेहनत बहुत। मोस्ट 15-20 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मेरे को चार लाइट चाहिए। एंड वी फाउंड अ टेम्पररी सोल्यूशन, एक तो जुगाड़ लगाना पड़ता है यार, इंडिया में जुगाड़ का हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का जुगाड़ है। वी रियली डोंट वांट कि हमारा अगर बाई चांस कोई गलत शेप बन जाए तो हम, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी यार नॉर्मल टेप यूज़ कर रहा हूँ, टेप को फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके फिर मैं लगा रहा हूँ ताकि एक उसे सपोर्ट मिल जाए और लाइट्स गिरे ना, और जो फाइनल शेप बन रही है वो भी ढंग से चेक हो जाएगी। क्योंकि ऐसा ना हो लास्ट में थोड़ा सा भी 1 इंच का भी फर्क हो गया तो फिर लाइट्स नहीं जलेगी ढंग से। और यू नो वट, वंस आई डिलीटेड फेसबुक बिकॉज मैं आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स आई जस्ट यू नो स्क्रॉल डाउन एंड ओपन द फेसबुक एंड आई स्टार्टेड स्क्रॉलिंग डाउन एंड लुकिंग डिफरेंट डिफरेंट यू नो वीडियोज एंड द वीडियोज दैट आई रियली डोंट वॉन्ट टू वॉच, इवन दो आई वॉच सच वीडियोज, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लाइक आई लूज द फोकस। आई डोंट नो कि ऐसा सबके साथ होता है या मेरे साथ ही होता है, बट आई फील ऐसा नहीं होना चाहिए। वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग यू शुड जस्ट बी फोकस्ड इनफ टू डू द थिंग फर्स्ट, वट एवर इज द प्रायोरिटी यू शुड जस्ट गिव द प्रायोरिटी टू दैट वर्क एंड देन फर्स्ट फिनिश दैट वर्क एंड देन डू द अदर थिंग। सो दैट्स इट। और अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई एडिटिंग वर्क, इट्स 9 o'clock इन द इवनिंग। आई थॉट आई वुड स्टार्ट बाई 7 o'clock बट लेट हो गया थोड़ा सा, वहाँ पर लाइट्स में भी कुछ इश्यूज थे, इस चक्कर में भी लेट हो गया था, बट इट्स नॉट बैड। इवन दो आई हैव जस्ट यू नो फिनिश्ड आउट ऑल माई ब्लॉगिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, नाउ आई थिंक आई कैन जस्ट सिट एंड डू द एडिटिंग एंड शेड्यूल द वीडियो फॉर टुमारो, इट विल बी पब्लिश्ड एट 11 o'clock। आई रियली होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, इन केस यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू रियली लाइक इट प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, कमेंट योर व्यूज एंड टेल मी वट थिंग आई कैन इम्प्रूव। आई जस्ट विश टू स्प्रेड एंड स्प्रेड द positivity and thanks for watching this video. I'll see you soon. Bye. बहुत ज़्यादा एडिट था, लाइक वट एवर इज द प्रायोरिटी यू शुड डू द सेम